हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले एक साल में करीब 28,000 करोड़ का निवेश कर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि सरकार किसानों से गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी, जिसके लिए 31 मई तक मंडी में खरीद की जाएगी। बल्लभगढ़ सेक्टर 62 और 65 के डिवाइडिंग रोड के बीच से गुजर रहे प्याला राजवाहे पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जाने वाला यह पुल सेक्टर के बीच से होकर गुजर रहे राजवाहे को सुंदर बनाने का काम भी करेगा। इसके लिए इसे RMC से पक्का कराया गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने SYL को लेकर बयान दिया। जेपी दलाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दक्षिण हरियाणा से हैं, इस नाते जब भी वो हरियाणा में आए तो SYL का पानी साथ लेकर आए। हरियाणा को झूठे वादों की नहीं, SYL के पानी की जरूरत है। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा, केजरीवाल पर कटाक्ष किया और कहा कि हरियाणा में आपका कोई वर्चस्व नहीं है। सर्च इंजन गूगल में संस्कृत भाषा को ट्रांसलेट किए जाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गूगल की इस सुविधा से लोगों को संस्कृत के बारे में और फायदा और ज्यादा जानकारी मिलेगी। कैथल से विधायक लीला राम ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कैथल में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रपोजल तैयार हो चुका है और जल्द ही सीएम कैथल का दौरा करेंगे।